दिस कोर्स वॉज ब्लेसिंग इन दिस गाइस, चीजों को देखने का परस्पेक्टिव चेंज कर देता है। बेसिकली मुझे ये कोर्स अटेंड करने के बाद, बल्कि ड्यूरिंग द कोर्स, आई रियलाइज दैट अब मैं जो चीजें एक डिफरेंट एंगल से देख रही होती हूँ, हर चीज का डिफरेंट तरीके से एनालिसिस कर रही होती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी इनर जर्नी, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी, सबसे पहले अगर आप अल्लाह से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और ये कोर्स अटेंड करने के बाद, हालांकि मैं पहले भी कुरान पढ़ती थी, लेकिन ये कोर्स हमें एक डिफरेंट एंगल से जीना भी सिखाता है, और इससे बढ़कर कि हमारी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए और हम सेल्फ डिस्कवरी ना कर पाए, तो फिर इंसान की जिंदगी का फायदा ही क्या है। इस कोर्स के बाद जो अल्लाह ताला ने इंसान को जिस मकसद के लिए जिंदगी में भेजा है, मुझे वो बेसिकली समझ आई। इस कोर्स के जरिए से आई स्टार्टेड द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, और इसमें फर्दर जो इरम सईद ने डिफरेंट बुक्स रिकमेंड की, डिफरेंट जो बाकी चीजें बताई, उनको जब मैं अब पढ़ती हूँ, दो ये कोर्स खत्म हो चुका है, लेकिन वो मजीद मुझे इनहेंस कर रहा होता है इसी जर्नी में ग्रो करने के लिए, जो बातें मैंने उनसे लर्न की। बल्कि अभी भी मैं बहुत सी बुक्स पढ़ रही हूँ, अगर मैं ये कोर्स में ना आती तो मैं कभी उन बुक्स की तरफ जाती ना। जो सबसे अच्छी इरम की बात है वो ये कि वो अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं कराती है, वो आपको लिबरेट करती हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आई टुक दिस कोर्स। ये जो सोशल मीडिया पे वीडियो है, ये तो बहुत शॉर्ट क्लिप्स हैं, जो कि जिसमें वो एक वो कहते हैं ना कि एक रास्ता दिखाना, और वो भी जो शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स हैं वो भी काफी हेल्प आउट करते हैं। इरम सईद कोर्स टॉट मी हाउ टू सबमिट टू अल्लाह, कहते हैं ना लोग सबर करो सबर करो, तो इरम सईद के कोर्स से मुझे सबर करना आया। ये सारी चीजें मैंने इरम सईद से लर्न की। अल्टीमेटली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सोर्स ऑफ जॉय वो अल्लाह की जात है। वो हम जब इंसानों से या चीजों से ढूंढेंगे, तो उन्हीं चीजों के जरिए से फिर अल्लाह हमें आजमाता है। तो दिस वॉज रियली अ ग्रेट लर्निंग, एंड दिस इज हेल्पिंग मी अ लॉट इन माई डेली लाइफ एज वेल।